ने मराठी के साथ हिंदी धारावाहिकों और फिल्मों में अलग जान बनाने के लिए जानी जाती हैं। उषा को दर्शक दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ऑन स्क्रीन माँ के रूप में भी जानते हैं। अभिनेत्री साल 1979 से फिल्मों और टीवी सीरियल में नजर आ रही हैं। उषा ने मशहूर टीवी शो पवित्र रिश्ता में सविता देशमुख के किरदार से खास पहचान बनाई, लेकिन आज हम आपको इनके आज से रूबरू करवाते हैं, साथ ही हम आपको उनकी फैमिली के बारे में भी बताएंगे। 13 सितंबर 1946 को जन्मी उषा नाडकर्णी ने अपनी मराठी फिल्म सिंहासन से फिल्मी दुनिया में कदम रखा और फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभिनेत्री ने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी खूब काम किया। साल 1987 में उन्होंने फिल्म सड़क छाप में एक अंधी औरत की भूमिका निभाई थी, जिसमें दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया। इस फिल्म के बाद उन्हें लगातार काम मिलता ही चला गया। उषा को हिंदी सिनेमा में पहचान टीवी शो पवित्र रिश्ता की वजह से मिली थी। इस सीरियल में ये एक्ट्रेस सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के साथ नजर आई थी। इनको दर्शकों ने खूब प्यार दिया और सविता देशमुख के किरदार के लिए उषा नाडकर्णी को बेस्ट इविल सास का अवार्ड भी मिला। जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ तो वो काफी भावुक हो गई थी और कहा कि मेरा मानव हमेशा मेरे दिल में रहेगा, उसे मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। साल 1990 में फिल्म वास्तव में भी उषा नाडकर्णी ने अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त के दोस्त डेढ़ फुटिया की मां का रोल किया था। उनके इस किरदार को दर्शकों का खूब प्यार मिला। उषा नाडकर्णी फिल्म गुंडा राज में अजय देवगन, काजोल और अमरीश पुरी के साथ भी फिल्म की स्क्रीन को शेयर कर चुकी हैं। उषा ने 2018 में बिग बॉस मराठी सीजन 1 में भाग लिया और वो लोकप्रिय रियलिटी शो भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज प्रतियोगी बन गई। वो जरूरतमंद लोगों की मदद और सहायता भी करती हैं। वो कई मौकों पर क्रू सदस्यों के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने फिल्म उद्योग के कई व्यक्तियों की वित्तीय तौर पर मदद की पेशकश भी की है। उषा खाने की भी बहुत शौकीन है। उन्हें खासतौर पर मछली पकाना बहुत पसंद है। अभिनेत्री अक्सर क्रू सदस्यों के बीच साझा करने के लिए अपने शो और फिल्म के सेट पर घर का बना व्यंजन भी लाती हैं। बचपन से ही उन्हें अभिनय और नृत्य में रुचि थी और उन्होंने पहली बार चौथी कक्षा में किसी गतिविधि में भाग लिया था। कॉलेज के अलावा वो अपने स्कूल के दिनों से ही विभिन्न नाटकों और अभिनय में भाग लेती रही हैं। उषा बहुत सारे सार्वजनिक गणेश उत्सव कार्यक्रम में जाती हैं, जहां उन्हें लोगों को संगीत की धुन पर नाचते हुए देखना अच्छा लगता है। उनके माता पिता बिल्कुल भी उनके अभिनय के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब उन्हें अपने अभिनय के लिए 1 साल में 7 अवार्ड मिले तो वो उनके कौशल से प्रभावित हुए और आत्मविश्वास से भर गए। उन्होंने 1979 में मराठी फिल्म सिंहासन में शांता की भूमिका निभाई थी और अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उनके डेब्यू के बाद उन्हें कई हिंदी और मराठी फिल्में जैसे शतरंज, गुंडा राज, एक्चुअल, 1-2-3, देउल, भूतनाथ रिटर्न्स और कई अन्य फिल्मों में देखा गया। वहीं अगर बात की जाए इनके निजी जीवन के बारे में तो आपको बता दें, इनके पति का नाम आनंद नाडकर्णी है। इनका एक बेटा है जिसका नाम आयुष नाडकर्णी है। हालांकि आज ये एक्ट्रेस 77 साल की हो चुकी हैं और अभी भी फिल्मों और धारावाहिकों में नजर आ ही जाती हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।